Assalamu alaikum. Again today a recipe vlog in Pakistan. Today I invite Rafi, my nephew. मैंने उनको कहा कि आप आना मेरे घर में खाना, क्योंकि वो मुझे बार बार इनवाइट कर रहे हैं पर COVID-19 की वजह से मैं उनके घर नहीं जा रही हूँ. मैंने कहा तुम अकेले आना, बहुत लोग रही और यहाँ पे ही मेरे साथ खाना खाना. तो उसकी वाइफ और वो आ रही है, बाकी लोग नहीं. तो आज हम, वो कह रहा था मैं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे हाथों की चीज खाऊंगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है. कहते यूट्यूब पे तो इतना पकाती हूँ, मेरे लिए भी पकाओगी. तो फर्स्ट टाइम मैं राफी को अपने हाथ का फूड खिला रही हूँ. मेरे मेन्यू में आज है नमकीन गोश्त बना रही हूँ मैं. सफेद चावल के साथ एक किस्म का चिकन होता है वो मैं बना रही हूँ, नाम नहीं आते वैसे बना रही हूँ. तो चलिए मेरे साथ रहिए, दिखाती हूँ मैं क्या बनाती हूँ. Please subscribe and click the bell to get notification. So, मैंने तीन हंडिया रख ली है कुकर के अपने. मैं बना रही हूँ नमकीन चिकन के चावल. ये पठानों की होती है और मेरी अम्मी की रेसिपी है. जैसे कि आप लोगों ने कहा है अम्मी की रेसिपी बनाओ, तो अम्मी की रेसिपी बना रही. उसके लिए मैंने ये डाल दिया है खाते में, आप जरा दिखा दो. मैंने एक प्याज काट के पतला पतला सा, एक दो चम्मच ये वाले डाल दिए ऑयल के, और ये यहाँ पे पक रहे हैं. आपको बताती हूँ फिर क्या करना है. इसी चावल के लिए ये चिकन मैं बना रही हूँ, और मैंने इसको इसी तरह 1 स्पून ऑयल में डाल के, ये एक चिकन है ये इसमें डाल दिया. और इधर मेरी बन रही है नमकीन हंडी. ये बकरे का गोश्त है, मिक्स बकरे का गोश्त है. वैसे खादम को मैंने कहा था कि सिर्फ नेक का ले आना, पर ये मिक्स ले आया है. तो ये सिर्फ बकरे का गोश्त है और इसको लिड रख के अभी मैं बनाऊंगी. तो ये मैं नमकीन, इसको नमकीन हंडी कहते हैं. ये भी मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है. ये नमकीन हंडी बन रही है. गैस बहुत स्लो है. इमरान खान को अपील करती हूँ, प्लीज़ ये गैस तो कम से कम तेज़ कर दो. अगर हयातबाद जैसे इलाके में गैस स्लो है तो बाकी बेचारे इलाकों में कितना स्लो होगा. जो चावल के प्याज हैं वो मेरी थोड़ी से ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा नहीं. आपको पुलाव की तरह ब्राउन नहीं करने, आपको बस हाफ ब्राउन करने. ये देखिए थोड़ा सा बस पेल हो जाए, ठीक है. अब ये पेल हो गए हैं और अब हम इसमें क्या कर दूँगी. ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं और इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है. अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे ही डाल दूँगी बस. और कुछ मसाले अभी आपने कुछ नहीं डालना. मैं ऐसे 2 छोटे लेमन लूँगी. यूके में तो लेमन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इधर लेमन भी छोटे हैं. सो मैं ऐसे लेमन लूँगी और इसमें 1 लेमन के 2 हिस्से किए हैं मैंने, वो इसमें मैं ऐसे डाल दूँगी. ठीक है, ये इसमें डाल दिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार. ठीक है, सोडियम नमक को चख लें कि पूरा है. मेरा नमक थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ. और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसको मैं 3/4 कुक कर दूंगी. देख लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा मेरे चावल 3/4 होने चाहिए, बस दम नहीं आया, चावल मेरे टूट गए हैं. इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ और अब मेरा ये चिकन है, यही चिकन जाएगा. अब ये देखिए मेरे चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है पर इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है. अब इसी तरह इसका बड़ा ही फैंटास्टिक टेस्ट होता है इसे मैं, तो 1 छोटे चम्मच के बराबर ऐसे ले ले गार्लिक, गार्लिक जिंजर पेस्ट ले ले. इसको थोड़ा सा इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स कर दें. मिक्स करने के बाद इसमें भी आपने, ये नमकीन चावल होते हैं, नमकीन चिकन चावल इसे हम कहते हैं, और इसमें लेमन का बड़ा मज़ा होता है. ऐसे 1 लेमन डाल दिया. लेमन के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के बराबर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स बस.
ये डाल दूँ और मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, वो भी मैं ऐसे एक टीस्पून के बराबर वो डाल दिया है और यही हमारा सारा मसाला हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इस तरीके से और इसको इसका सारा पानी सूख जाए तब तक पकाऊंगी कि जब इसका सारा पानी बिल्कुल सूख जाए, ओके, और ये चिकन बिल्कुल गल जाए, तो इसको मैं पका लूँगी। चावलों को मैं एक तिलक हटा देती हूँ, मेरे चावल 3/4 कुक हो गए हैं। मेरी हंडी कभी नमकीन हंडी कभी आप हशर देख लें तो नमकीन हंडी हैरान हो रहा है, खादिम हैरान हो रहे हैं कि इसमें कैसे ऑयल नहीं है, मसाला नहीं है, तो क्यों इसकी इतनी अच्छी खुशबू है और इसका इतना अच्छा कलर है। तो मेरी हंडी में भी अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको भी अभी क्योंकि ये बकरे का गोश है बहुत जल्दी पकने वाला है, बल्कि अभी भी पका होगा ये देखिए, तो लेकिन मैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई करूँगी, ठीक है। और अभी जो मेरी हंडी है उसमें मैं सिर्फ अपना खूब भर के ये डाल दूँगी, अच्छा ज़्यादा यानी बड़ा एक चम्मच गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट डाल दूँगी और इसको एक दफ़ा फिर ऐसे, सही नज़र आ रहा है खादिम जी, ओके, और इसके ऊपर रख दूँगी एक 5-6 मिनट के लिए और मेरा चिकन बन रहा है। और अब हम बनाते हैं अपनी पुदीने की चटनी। सो पुदीने की चटनी हम बनाएंगे इसी हमारे कूटने वाली चीज़ में, हम बिल्कुल ग्राइंडर या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा गार्लिक है इसमें, मैं थोड़ा सा पुदीना, 1-2-3 चिली डालती हूँ और उसको अच्छी तरह कूटती हूँ और फिर आपको बताती हूँ क्या करती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे चिकन का पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, सिर्फ बस थोड़ा सा एक स्पून बाकी होगा पानी का, ओके, और ये बगैर किसी मसालों के कितना प्यारा कलर इसका आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ एक टोमेटो इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी और 2-3 चिली मैंने काट की हैं वो डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। मेरे ये जो चिकन है ये मेरे चावलों के लिए रेडी हो रहा है और इसको मैं 2-3 मिनट और पका लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं कि ये टमाटर साबुत साबुत नहीं हो तो अच्छा है। इसको लिड के बगैर मैं 2-3 मिनट पका, मेरे राइस कुक हो गए हैं। अब मैं ये जो है ये इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी पूरा, ये देखिए ये हमारे पठानों के नमकीन चावल, इसको हम कहते हैं नमकीन चिकन चावल। कैसे हैं? चिकन पुलाव? नो, इट्स नॉट चिकन पुलाव, इट्स नमकीन चिकन चावल। चिकन चावल उसको हमने डंप कर दिया और डंप पे रख दिया है वेरी स्लो आंच पे या ओवन में रख दे। ये मेरा तैयार हो गया है, मैं ऑनलाइन हूँ अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ और इंशाल्लाह अभी मैं नमकीन गोश्त बता दूंगी। अभी टेंटेड है, दम हो गए हैं मेरे चावल, मेरे नमकीन। अगर आप इस तरीके से ये चावल बनाएंगे ना तो जिनके खावंद है शादीशुदा है वो उनको ज़रूर, खादिम खड़ा है ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती ज़रूर हक दे देगा, चलो। और जिनके खावंद नहीं है, जिनके पास अम्मी अब्बू हैं, तो ज़रूर आपको इनाम में वो 1000 रुपये तो दे ही देंगे या 20 pounds। और अगर जिनके भाई है ना तो भाई उनको गले लगा देगी कि वाह वाह क्या पकाए। तो लेट्स सी, खादिम दिखाओ कुलजा सिमसम। वाह, ये देखो खादिम ऐसे घुमाओ जरा कि सबके मुंह में पानी आ जाए कि अभी के अभी जाए और ये पका ले। सबसे पहले मेरे मुंह में पानी आ गया जब मैं भी कहती हूँ ना तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं कोरोना तो नहीं है या अल्लाह कोरोना को तबाह कर दे, इस दुनिया से खत्म कर दे, आमीन आमीन आमीन। और जो बीमार है कोरोना में अल्लाह ताला सबको सेहत दे दे। तो खादिम मुझे भी कहते हैं कि मामा मैं तो जब आप नहीं होते हो ना मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, तो अब आप आए हो मैं तो खाता ही रहता हूँ। मैंने कहा ये मेरे खानों की लज्जत है जो तुम खाते रहते हो। तो चलिए ये मेरा हो गया है और अभी आपको मैं अपनी
लांग हंडी बता रही हूँ, नमकीन हंडी। ओके खादिम जान कमिया, सिर्फ यही एक चूल्हा ज्यादा तेज है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतना बेशरम चूल्हा है। चले आ जाए, इसमें मैंने डाल दिया था ये देखो खादिम, इसका पानी अभी तक इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, पर अभी तक पानी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला ये देखो। और ये माशाल्लाह बगैर पानी बगैर ऑयल के, और ये अभी भी पक रहा है, सिर्फ गार्लिक डाले, सिर्फ गार्लिक, वो भी एंड में, अभी अभी 5 मिनट हो गए डाला है तो अभी भी ये पक रहा है। तो हमारा जो बकरे का गोश्त होता है लाम गोश्त, कसम से 5 मिनट में बच जाता है। पाकिस्तान के लाम गोश्त बड़ा सख्त जान है, ये आधा घंटा हो गया, ये आधा घंटा हो गया, अभी भी मैं इसको पका रही हूँ। तो चलो पकने दो इसको, इसको हम आराम से पकाते हैं, मैं और खादिम अपना किचन क्लीन करते हैं। अभी हंडी से सर उठा लिए, ये देखे ये जब छिस छिस की आवाज आने लगे ना, ये होती है नमकीन हंडी। देखो बगैर ऑयल, कुछ ऑयल नहीं है, कुछ पानी नहीं था, बस धोया हुआ मिल्क था, ठीक है दियो धोया हुआ मिल्क। कहता है अब खादिम को पता लगेगा कि मेरी मामा का खाना कैसे होता है, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं बनाया पाकिस्तान खाना, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी होती है। तो ये देखो ये अब बन गया है ना, अब इसके ऊपर हम कमाल करेंगे। कमाल ये होगा कि हम थोड़ा सा ऑयल, बस थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, ओके लड़कियों, जैसे 1 चम्मच के बराबर, ओके। और अब इस ऑयल में हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसको 2-3 मिनट इस ऑयल में भूनेंगे, ओके। और अब क्या करूँगी मैं, अभी 1-2 मिनट भून गया है, तो ये मैंने लिए हैं 4 लंबी चिली, आधा ऑनियन, सिर्फ आधा छोटा सा, और 5 टोमेटो, टोमेटो का डालना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ओके। ये जो साथ का गोश्त है ना, ये उससे भी ज़्यादा नाइस होगा, अच्छा ये मेरा और साथ का मुकाबला है। सो ये देखें, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब इस टोमेटो को आपने अच्छी तरह से इसमें पकाना है, तो कम से कम 15 मिनट आपने और इसको पकाना है दम देके, ठीक है। और ये हो गया है, ये देखिए, दिखा दो मेरे YouTube फैमिली को, ये देखें ये ऐसे कभी देखा होगा बगैर मसाले के, इतना प्यारा कलर। ये देखिए ये हमारी नमकीन हंडी तैयार है, चख के दिखाऊं। आज मैं ये ना चखना उससे करूंगी, अपने बेटे खादिम से करूंगी। पकड़ो सारा ना, गंदे, सही बोलोगे, सही बोलोगे, सही बताऊं? हाँ मेरा तो दिल जीत लिया है वो तो मैं तुम्हारी मामा हूँ ना, ऐसी जीत ली है। अच्छा बोलो बम्बार है, बम्बार है, बम्बार है, बम्बार। मुझे खादिम कहते हैं मामा मैं तुम्हारा हर व्लॉग देखती हूँ, मैंने कहा है तुम भी देखते हो तो खादिम कहते हैं बम्बार है, ठीक है। तो चलिए आप भी ये बम्बार रेसिपी अब बना। अच्छा तो मेरी नमकीन चावल भी आपने देख लिया, और मेरे नमकीन बकरे का गोश्त भी आपने देख लिया। तो ये हमारे पठानों का और मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है, और खुशबू ले लेके वो खादिम यूँ कर रहा है और फिर कहते हैं तो बन गए हैं। अब मैं खादिम को कहती हूँ कि वो जल्दी खा ले इससे पहले कि वो फेंट हो जाए। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, पर आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ। इंशाल्लाह कल स्वात जा रहे हैं, स्वात में मदेन में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत महंगा कुआं खोल रहे हैं, और उसके बाद हम अपने डिसेबल लोगों को और वहाँ के और लोगों को ईद का पैक दे रहे हैं, रोज़गार पैकेज का लिस्ट बना रहे हैं कि वहाँ कितने रोज़गार लोग हैं, रोज़गार जिनको चाहिए, कुछ लड़कियों को मशीन चाहिए वो लिस्ट बनाएंगे, और व्हील चेयर की लिस्ट बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे मलम जब्बा। हम ओनली सैर सपाटे के लिए जाएंगे, सिर्फ 1 दिन के लिए, उसमें चारिटी नहीं होगी।
अपनी दुआओं में याद रखना, आप सब मेरी दुआओं में हो। मैं जब भी कोई भी इवेंट करती हूँ मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली जो मुझसे प्यार करते हैं उन सबको इन सब चीज़ों का सवाब दे देना। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज। सो दिस इज माई राहुल। He work in an Islamic bank, okay? He used to be a proper dumb, but now he's an Islamic man. He's my Rafo, my nephew, my Baba, my Ade, my everything, alhamdulillah. Rafo, say something. Yes, I'm hearing you talk. Okay, so this khana is very simple for my nephew. So inshallah, see you in next vlog. Allah Hafiz.